संजय दत्त एक ऐसे शख्स है जिनकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। समझा कि अब तक 3 शादियों हो चुकी हैं, लेकिन संजय के जिंदगी में तब बदलाव आया जब उन्होंने अपने तीसरी पत्नी दिलनवाज शेख उर्फ मान्यता दत्त उनकी जिंदगी में आई। खबरों की माने तो संजय और मान्यता की मुलाकात प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन ने करवाई थी। उन दिनों संजू बाबा एक बड़े एक्टर हुआ करते थे और मान्यता एक स्ट्रगलर हुआ करती थी। इस बीच मान्यता और मुन्ना भाई की दोस्ती परवान पर चढ़ने लगी और दोस्ती का प्यार में बदल गई, यह दोनों को पता भी नहीं चला। संजू बाबा के घर मान्यता का आना जाना शुरू हो गया, लेकिन उन दिनों संजय दत्त नाडिया दुर्रानी के साथ इश्क में गिरफ्तार थे। यह भी खबरें आने लगी जब संजू की गर्ल फ्रेंड नाडिया कभी शहर से काम के सिलसिले में बाहर जाती तो मान्यता उनसे मिलने पहुंच जाती और उन्हें काफी फेवरेट डिशेज बनाकर खिलाती। इस तरह संजय दत्त में मान्यता पूरी तरह से उतर गई। हालांकि नाडिया और संजू का रिश्ता मान्यता के कारण टूट गया, जिसके बाद संजय ने मान्यता से शादी रचाई। हालांकि इस शादी से संजू की बहनों ने किनारा कर दिया और मान्यता को उनके परिवार का हिस्सा बनाने के वो सख्त खिलाफ थी। शादी के बाद मान्यता ने अपने आप को काफी बदल दिया। इतना ही नहीं, संजू से शादी से पहले वो शादीशुदा थी। अपने पहले पति को तलाक देकर उन्होंने संजय दत्त के साथ हिंदू रीति रिवाजों से शादी रचाई। साथ ही संजू के साथ उन्होंने उनके घर को भी संवारा। आज इस कपल के 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं।